राजसमंद जिले को शर्मसार करने वाली एक घटना आज जिला मुख्यालय पर सामने आई। यहां काकोरिल थाना इलाके में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दरिंदे ने करीब 10 साल की अनाथ बालिका को अपने हवस का शिकार बना दिया। ग्रामीणों और परिजनों को जब बच्ची घायल अवस्था में जंगल में मिली तो वह उसे लेकर आर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मासूम का इलाज जारी है। जैसे ही घटना की सूचना क्षेत्र में फैली तो ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अस्पताल में जुटे और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के साथ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए दिए। काफ़ी देर तक ग्रामीणों और भाजपाइयों ने अस्पताल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इसकी सूचना पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी अस्पताल पहुंची और पीड़ित बालिका के स्वास्थ्य जानकारी ली। वहीं वारदात की सूचना पर कांकरोली थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास, पुलिस उपाध्यक्ष बेनी प्रसाद मीणा और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। यहां पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीणा ने विधायक दीप्ति माहेश्वरी को जानकारी दी कि SP के नेतृत्व में आरोपी गिरफ्तारी 5 टीमों का गठन कर लिया गया जो इलाके में सघन तलाशी कर रही है। उन्होंने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होने का दावा किया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद राजसमंद नगर परिषद सभापति अशोक टाग मौके पर पहुंचे और बालिका की कुशल क्षेम पूछी। आज हम अभी आरके हॉस्पिटल में बच्ची से मिले हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है उस बच्ची की, 10 साल की छोटी सी बच्ची जिसके साथ इतना ज्यादा जिसको कहते हैं दुष्कर्म हुआ है। 5:30 बजे SP साहब को सूचना मिली इस बारे में और उसके बाद से ही उस जिसने करा है इतना गंदा काम, देव जैसा जिसको कहते हैं, इतना बुरा कर्म, इससे ज्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता है। यह है कि आज हमारे राजस्थान सरकार की अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ जो बीत रहा है, आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। हर सिटी में ऐसे काम होते जा रहे हैं, बढ़ावा मिलता जा रहा है और कुछ भी उसका निष्पक्ष नहीं निकल रहा है। नंबर 1 हो चुकी है राजस्थान महिलाओं के गैंग रेप में। आज ये दिन की घटना है, जैसे पुलिस को सूचना मिली 4:45 बजे के आसपास ऐसे जो कागजी स्वयं यहाँ पर थाने पर आए, बच्ची से पूछताछ की, बच्ची से के हाल जाने, मेडिकल कराया उनका और उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में 5 अलग अलग टीमें बनाई गई जिसमें मैं खुद भी एक था। हम मौके पर पहुंचे, वहां पर 2-3 महिलाओं ने उस आदमी को भागते हुए देखा था, उसकी थोड़ी शिनाख्त थी, हमने उसका लिखा अपने पास और 5 टीमों अलग अलग जगह पर उसकी तलाश जारी है। सारे आसपास के एरिया छान मारे हैं, डॉग स्क्वाड बुला ली गई है और हम कोशिश करेंगे जल्द जल्द इनको गिरफ्तार करके इसको सजा दिला पाए। इसको के तहत इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये भी घटना जो की है, जिस व्यक्ति ने ये हरकत की है उसको सरकार सजा दिलाएगी और पॉक्सो एक्ट में भी सजा दिलाएगी। सभी सरकार प्रयास कर रही है कि उसको ढूंढ निकालेगी और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट भी चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और हम सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई मुलजिम तक पहुंचकर उसको सजा दिलाई जाए।